धर्मांतरण के ऐलान के बाद इसे सियासी हवा दे दी गई। मौलाना तौकीर रजा ने बकायदा दिन, तारीख और जगह का ऐलान कर दिया। वहीं उनके इस विवादित बयान ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इसकी तैयारी कब से चल रही थी। इतनी बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन कर निकाह कराने की तैयारी कहीं ना कहीं किसी खास एजेंडे के पीछे की साजिश नजर आती है। सवाल यह भी है कि क्या मौलाना लव जिहाद को धर्म परिवर्तन का चोला तो नहीं पहना रहे। मौलाना तौकीर के मंसूबों पर कहीं ना कहीं शक जाहिर हो रहा है। पहले भी कई ऐसे मामले देखने को मिले जहां हिंदू समुदाय की लड़कियों को भ्रमित कर अपने जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। अब मौलाना तौकीर प्रशासन का सहारा लेकर इसे खुलेआम डंके की चोट पर करना चाहते हैं। उन्होंने प्रशासन से कार्यक्रम की अनुमति मांगी है, हालांकि प्रशासन ने साफ तौर पर मना कर दिया है। वहीं मौलाना तौकीर ने इस ऐलान से घमासान मचा दिया है। जगह जगह लोग मौलाना तौकीर के विरोध में उतर आए हैं। वहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देने का ऐलान कर दिया। और तो क्या ये अब धर्म पर ही लड़ाई उतर रही है? देखना दिलचस्प होगा। इसी मुद्दे पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ बेहद खास मेहमान हमारे कार्यक्रम की शोभा बनेंगे, लेकिन उससे पहले विवादों के केंद्र में तौकीर रजा खान आखिरकार क्यों आए, क्या बयान दिया, सियासत किस तरह से चरम पर पहुंच रही है, देखिए ये रिपोर्ट। कौन कर रहा है जाति धर्म की राजनीति? आखिर क्यों हो रहे हैं धर्म परिवर्तन? यूपी में बड़े पैमाने पर होगा धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन कराना है, राजनीति चमकाना है। यूं तो चुनाव में जाति धर्म को लेकर सभी राजनीतिक दल चमकर सियासत करते हैं और जाति धर्म के आधार पर वोट बैंक की खूब राजनीति नजर भी आती है। देश में जाति और धर्म पर सियासत भी खूब गर्माती है। इसी बीच धर्म परिवर्तन की खबरें भी लगातार सुर्खियों में आती हैं। इधर योगी राज में बड़े पैमाने पर सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने की तैयारी की जा रही है, जिसका ऐलान मौलाना तौकीर रजा ने किया। 23 लड़के लड़कियों के सामूहिक धर्म परिवर्तन का ऐलान करते हुए तौकीर रजा सुर्खियों में आए। तौकीर रजा ने कहा कि 21 जुलाई को एक साथ 5 लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जाएगा, जिसमें सामूहिक निकाह होगा। तौकीर रजा ने कहा, हमने जिला प्रशासन से सामूहिक धर्म परिवर्तन और निकाह की परमिशन मांगी है। परिवर्तन तो तकरीबन उनका हो चुका है पहले ही, आपस में रह भी रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये आपस में जो रहना है, ये न हिंदू धर्म में इसकी मान्यता है, न मुसलमान इस्लाम में इसकी मान्यता है, तो हम उनको मान्यता देना चाहते हैं। धर्म अपना वो परिवर्तित कर चुके हैं, वो उसके औपचारिक ऐलान जिसे कहते हैं वो करते एप्लीकेशन है, जो पहले से साथ हैं, उनके ताल्लुकात हैं, उनका उठना बैठना रहना सहना है और तमाम मामला तो उनके चल रहे हैं, तो उन्होंने अपने तमाम चीज़ें तय की हुई हैं, उनको सार्वजनिक करना है। सिर्फ इतने काम के लिए मैंने जिला प्रशासन से परमिशन मांगी है और 21 तारीख को मेरा प्रोग्राम। अब जैसे ही मौलाना तौकीर रजा ने स्थानीय प्रशासन को लेटर लिखा, तुरंत सियासी लोगों के कान खड़े हो गए। धार्मिक गुरुओं से लेकर राजनेता तक सब बयानबाजी करते रहे, लिहाजा मोर्चा संभाला स्थानीय प्रशासन ने और अनुराग आर्या जो बरेली में इस वक्त SSP के पद पर तैनात हैं, उन्होंने साफ कहा लॉ एंड ऑर्डर से कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। आयोजन के लिए एप्लीकेशन दी गई है, जिसकी जांच स्थानीय पुलिस और LI द्वारा की जा रही है, बाद जांच व्याख्या प्रेषित की जाएगी। बरेली पुलिस समस्त जनपद वासियों को आश्वस्त करती है कि किसी को भी शहर या जनपद की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास भी करेगा तो पुलिस उसे कानून की पूरी सख्ती और ताकत के साथ हैंडल करेगी। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन जनपद में नहीं होने दिया जाएगा। तौकीर रजा ने कहा कि हमने तो परमिशन मांगी है, हिंदू तो वो भी नहीं मांगते परमिशन, और बड़े संख्या में मुस्लिम लड़कियों ने धर्म परिवर्तन कर हिंदुओं से विवाह किया। रजा ने कहा कि 21 जुलाई को सुबह 11 बजे खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में पहले चरण में 5 जोड़ों का धर्म परिवर्तन और निकाह होगा। वहीं मामले में बरेली के तमाम हिंदू धर्म गुरुओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी और इसके ऐलान का विरोध कर दिया। उसमें दंगा ये प्रत्येक बच्चा जानता है कि 2010 का दंगा इसने कराया और फिर ये दंगा कराना चाहता है।
मैं जानना चाहता हूँ कि इस्लाम में किसी को कन्वर्ट करा के ये कौन सा उनको सदगति दे रहा है, कौन सा उनको ऊंची पदवी दे पा रहा है, है? हम जिस नरक से उन लड़कियों को निकालते हैं, कभी उन लड़कियों की व्यथा इसने सुनी? कभी उन लड़कियों को दुख सुना इसने? वो कितनी बुरी तरीके से रोती हैं, चिल्लाती हैं, सबसे उन किसी को एक व्यक्ति विशेष द्वारा इस तरह की चेतावनी देना कि हम 23 जोड़ों को विवाह करा के उनका धर्म परिवर्तन कराएंगे, ये तो खुद ही जाती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसे आयोजन का किसी भी तरह से परमिशन नहीं। उन्होंने कहा कि सावन के पवित्र महीने में मौलाना तौकीर रजा का इस तरह का ऐलान कहीं ना कहीं बरेली की शांति को भंग करने की साजिश है। लगे हाथ बीजेपी के प्रवक्ताओं से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक ने इस पूरे ऐलान को लेकर मोर्चा खोल दिया। जानबूझ करके विवादित बयान दे करके सुर्खियों में आने के लिए तरह तरह के यत्न करते रहते हैं और इसी प्रकार का प्रयास वो फिर कर रहे हैं। धर्मांतरण कराने का ये प्रयास घिनौना है, चिंता में उतारने वाला है और निश्चित तौर पर ऐसे किसी भी प्रयास पर सरकार रोक लगाएगी। किसी को लोभ के आधार पर, लालच के आधार पर, बहला फुसला करके या डरा धमका करके अगर आप मजहब परिवर्तित कराने का प्रयास कर रहे हैं तो ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने दिया जाएगा। ऐसे मौलाना तौकीर रजा की तमाम गीदड़ भभकियां, तमाम उनके इस तरह के बयान केवल मीडिया में सुर्खियों में आने के लिए होते हैं। चाहते हैं ये भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह माहौल को बिगाड़ने की कोशिश। मौलाना तौकीर रजा हमेशा अशांति फैलाने वाले बयानों को लेकर सुर्खियों में आते हैं। रजा के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि मौलाना तौकीर रजा को इस आयोजन की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। फिलहाल मामले को लेकर सियासी भूचाल मचा है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला और तेज हो गया है। और इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए तीन बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता अश्विनी शाही हैं, बहुत बहुत स्वागत शुक्रिया आपका। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर राहुल यादव भी जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत शुक्रिया आपका। और हिंदू महासभा से शिशिर चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत शुक्रिया आपका। और कुछ ही देर में मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम खान साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे। शुरुआत शिशिर जी आप ही से कर रहा हूं क्योंकि शायद आप बेहतर ढंग से समझा पाएं। सुबह से आपके बयान भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, क्या समझ पाए हैं तौकीर रजा जी जो कह रहे हैं कि भैया धार्मिक आयोजन करना चाह रहे हैं ताकि लोगों का धर्म परिवर्तन करा पाए और ये प्रार्थना पत्र खुद उनके पास पहुंचे हैं 23 से 25 लोगों के, आवाज पहुंच रही सुशील जी? जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि लोकसभा के परिणाम आए उसके बाद से विपक्षी दल कुछ लोगों को आगे करके यहाँ का माहौल खराब करना चाहते हैं, तो उसको लेकर के मैं ये चाहता हूँ कि जो बयानबाजी हो रही है उस वक्त उत्तर प्रदेश में, एक बयान आया कि उत्तर प्रदेश में देश में रहना होगा तो या हुसैन कहना होगा, दूसरी तरफ मदरसे में हिंदू बच्चों को यहाँ पर नमाज पढ़वाई जा रही है, कहीं पर मौलाना तौकीर बयान बहादुर जो हैं ये कहते हैं कि हम हिंदुओं को मुसलमान बनाएंगे, इनके पास प्रार्थना पत्र आ रहा है। जरा इनसे पूछिए कि ये क्या डीएम है, कलेक्टर है, हैं कमिश्नर है, इनके पास प्रार्थना पत्र लेके कोई क्यों जाएगा? ये आज भी जिसको धर्मांतरण करना होता है वो प्रार्थना पत्र लेकर के डीएम कार्यालय में जाता है, वकील को लेकर जाता है, और जो धर्मांतरण कराने वाले पंडित जी या इमाम साहब या मौलाना साहब है उनका एफिडेविट लगा के धर्मांतरण का पूरा मामला उसको कराता है। तो ये कौन है? ये केवल अपने को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसा दिया गया बयान है, और अगर इसको आप चैलेंज के रूप में कहते हैं, इसको तमाशा बनाकर दिखाना चाहते हैं, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो इनको मैं बताना चाहता हूँ, आप 5 लड़कियों का धर्मांतरण कराओगे तो 20 लड़कियां आपकी हमारे पास हैं जो ऑलरेडी वो कह रही है हिंदुओं से हम प्यार करते हैं क्योंकि हमारे धर्म में हलाला है, हम
हमारे धर्म में तीन तलाक है, हमारे यहाँ कई कई बीवियां है, हमारी छोटी छोटी बच्चियों को सऊदीया के शेखों के सामने परोस दिया जाता है, बेच दिया जाता है, ऐसी कुप्रथाएं। आप बताइए, अभी अभी अदालत ने दो ही दिन हुआ है एक फैसला दिया कि जो तलाकशुदा औरतें हैं उनको भरण पोषण का जो पैसा देना जायज कहा। अब ये इनके जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं वो क्या कह रहे हैं, वो उसके खिलाफ जा रहे हैं, मतलब अपनी औरतों को जीने का अधिकार छीन रहे हैं। दूसरी तरफ सनातन संस्कृति में हम बच्चियों को उनका पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं, कन्या पूजन करते हैं, हम उनको बहन का रूप में देते हैं, बेटी मानते हैं, माँ मानते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ खेत बताया जाता है, औरतों को खेत बताते हैं। आप बताइए, ऐसी कुरीतियों को छोड़ के मुस्लिम बच्चियां अपने धर्म को छोड़ के हिंदू सनातन धर्म को स्वीकार कर रही हैं। सच्चाई ये है। अब होता क्या है, हम उसको तमाशा नहीं बनाना चाहते, नहीं आप तमाशा बनाना नहीं चाहते, लेकिन डॉक्टर रजा तो ये कह रहे हैं कि भैया मैं संविधान के हिसाब से चलता हूँ, इसलिए मैंने परमिशन मांगी है, मैं नहीं चाहता कि कोई बखेड़ा हो। अब आपकी बात सही है कि भाई वो क्या डीएम है, कलेक्टर है जो उनके पास प्रार्थना पत्र जा रहा है, जब कन्वर्जन लॉ कन्वर्जन की बात सामने आती है या रिलीजन कन्वर्जन की बात सामने आती है तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाया जाता है, ये कहां से जज बने बैठे फिर रहे हैं। नहीं क्या ये सच नहीं है, क्या ये सच नहीं है, उनकी बहू ने उनके ऊपर मुकदमा कर रखा है, अपना घर संभलता नहीं है, इस्लाम के ठेकेदार बने घूम रहे हैं। उधर वो ओवैसी महाराज जी वो पूरे धर्म की लड़के लड़कियों की चर्चा करते हैं, उनके खुद के हैदराबाद में लड़कियां सऊदीया के शेखों को बेची जाती है। सानिया मिर्जा देखिए अभी पाकिस्तान ब्याह के गई और वहां से तलाक मिला उनको पुरस्कार में, यही सच्चाई है इस्लाम की। ठीक है, अपना घर नहीं संभलता है और पूरे धर्म की ठेकेदारी है इनके पास। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये पांच लड़कियों का तमाशा करके दिखाएं, हिंदू महासभा वही है जो इससे आजादी से पहले इनको तमाशा दिखाया था डायरेक्ट एक्शन पे, अगर ये पांच दिखाए तो हम भी आपको 11 जोड़े लाकर यहाँ पर सार्वजनिक रूप से परमिशन लेकर यहाँ आपको तमाशा दिखाते। ठीक है, हाजी नाजिम खान साहब हमारे साथ जुड़े हैं, मुस्लिम स्कॉलर, ज्यादा बेहतर ढंग से समझा पाएंगे। और आप जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि लव जिहाद को अब धर्म परिवर्तन का चोला उड़ाकर इस तरह से पूरा तमाशा किया जा रहा है, ज्यादा बेहतर ढंग से समझा पाएंगे। हाजिम नाजिम खान साहब, आवाज पहुंच रही है आपके पास? मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, समझा पाएंगे सर कि तौकीर रजा जी आसान शब्दों में क्या कहना चाह रहे हैं? शिशिर जी तो कह रहे हैं कि भैया जिनसे अपना घर परिवार नहीं संभल रहा, जिनके घर की अपनी महिलाएं खुद सुख चैन से नहीं रह पा रही और खुद उनके आसपास के लोग नहीं रह पा रहे, वो धर्म परिवर्तन क्या कराना चाह रहे हैं? हाँ कुणाल जी, देखिए जिस तरीके से अभी तौकीर रजा जी का जो बयान आया है, उन्होंने देखिए परमिशन मांगी और देखिए भारत उत्तर प्रदेश के अंदर एक कानून बना हुआ लव जिहाद वाला, लेकिन अभी जिस तरीके से अभी मैं शिशिर जी की बात सुन रहा था तो ये बता दीजिए, अगर मुस्लिम लड़का होता है, हिंदू लड़की होती तो उसको तो आप लव जिहाद कह देते, लेकिन जब मुस्लिम लड़की होती है और हिंदू लड़का होता है तो उसके लिए आप क्या कह देते, ये तो घर वापसी है। अरे भाई कानून तो दोनों के लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन आप सिर्फ एक के लिए तो कानून बना रहे, एक के लिए घर वापसी का कर रहे, तो ये बिल्कुल भारत के अंदर इस तरीके का माहौल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है और जब कानून है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन तौकीर रजा जी ने जिस तरीके से परमिशन मांग रहे तो प्रशासन को उनकी परमिशन जो उन्होंने दिया है उसके बारे में सोचना चाहिए और उसके जांच करनी चाहिए, उस पर देखना चाहिए कि उन्होंने जो परमिशन मांगी है वो किस लिए मांगी है। लेकिन बार बार कुणाल जी अगर इसी बात को अगर कह दे तो मैं एक बात और बता दूं कि कुछ संगठन इस तरीके की बातें करते हैं कि अगर मुसलमान भारत के मुसलमानों को अगर कमजोर करना है तो भारत के मुसलमानों की लड़कियों के साथ आप शादी कर लीजिए, अगर आप शादी कर लेंगे तो वो खुद पर खुद खत्म हो जाएंगे। और फिर उसके साथ दूसरी बात, कुछ नेता लोग ऐसे कहते हैं कि वे मुस्लिम लड़कियों को बहलाते हैं फुसलाते हैं और कहते हैं कि अगर आप सनातन धर्म में आ जाएंगे तो आपको ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करने पड़ेंगे, आपको हलाला नहीं करना पड़ेगा, आपको हिजाब नहीं पहनना पड़ेगा, आपको जो मुस्लिम महिलाएं समझाती हैं तमाम कैमरों पर आकर बोलती हैं। लेकिन ये बताइए सर, सामूहिक निकाह के पीछे की नीयत क्या है, क्या वाकई में एक अच्छे जीवन की वो गारंटी दे रहे हैं तौकीर रजा जी? इस बात की क्या श्योरिटी होगी जो धर्म परिवर्तन करके जो महिलाएं मुस्लिम बनेंगी या जो लड़के इस्लाम कबूल करेंगे उनका जनजीवन विद इन 24 घंटे सब कुछ सही हो जाएगा सर?
हाँ, और जो यहाँ पर सिंह जी कहते नजर आ रहे हैं कि भैया वो तो पॉलिटिकल पार्टीज के हाथों की कठपुतली बने फिर रहे हैं, उन्होंने अपना अपना अपनी पोजीशन अपना नाम तो खराब कर ही लिया, अपना इस्लाम को लेकर परसेप्शन है वो भी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। हाँ कुणाल जी देखिए, ये मुल्क जो लोकतांत्रिक मुल्क है और ये संविधान से चलता है, ना तो ये मेरी आस्था से चलेगा ना जो पैनल पर बैठे हैं उनकी आस्था से चलेगा, ये मुल्क तो सिर्फ संविधान से चलेगा। और देखिए सब सारी बात मैं ये कहता हूँ कि जब संविधान हर चीज की इजाजत देता है, ये मान के चलिए सर लिव इन रिलेशनशिप की तो आप परमिशन मिलती है, लेकिन अगर कोई अगर शादी करना चाहता है प्यार मोहब्बत की तो उसको एक धर्म परिवर्तन का नाम देकर इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जाता है कि हाँ देखिए। अश्विनी शाही जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जाने पहचाने चेहरे हैं, स्वागत शुक्रिया अश्विनी जी। आप समझा पाएंगे कि आखिरकार यहाँ पर तौकीर रजा जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, और जो नाज़िम खान साहब उनका जो सपोर्ट कर रहे हैं कि भैया अमन चैन की बात है, हिंदुस्तान में सब कानून के दायरे में आते हैं, तो आप जरा समझा दीजिए, क्योंकि लगे हाथ आपको बता दूं मुस्लिम धर्म गुरु हैं मोहम्मद साजिद रशीदी जी, उन्होंने कहा है कि भैया तौकीर रजा जी तो बीजेपी के एजेंट हैं, जब जब यूपी में माहौल खराब करना होता है बीजेपी उनको पिन करती है, और तौकीर रजा जी कुछ ऐसा ही घटनाक्रम लेकर मीडिया के सामने आ जाते हैं अपने आप को लाइमलाइट में लेकर। बड़ी सस्ती चीज और सस्ती लोकप्रियता होती है कि बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी के एजेंट हैं, ये लोग तुरंत सर्टिफिकेट बांट देते हैं लोग। तौकीर रजा एक विवादित व्यक्तित्व के आदमी हैं, और वो अभी जैसा हमारे शिशिर जी ने बताया कि वो दंगों के आरोपी रहे हैं, बहुत अभी कुछ दिन पहले जेल भी गए थे, तो वो विवादित व्यक्ति हैं और हमेशा विवादों में रहना चाहते हैं, और इससे भाजपा का क्या लेना देना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और 2021 में हम लोगों ने एक कानून पे यहाँ पर पास कराया कि किसी भी तरीके से किसी भी, अभी जिस तरीके से हमारे मुस्लिम स्कॉलर नाजिम जी कह रहे थे कि मुस्लिम लड़की हो और हिंदू लड़का हो तो नहीं होता है, लेकिन मुस्लिम लड़का हो हिंदू लड़की, हमने कहा उसमें आप पढ़िए उसको, जाकर उसको स्पष्ट रूप से पढ़िए कि कोई भी हो अगर लव जिहाद उसमें होता है साबित तो वो जेल जाएगा, उसके 1 से 5 साल तक की सजा, 15,000 रुपए जुर्माना क्या है। अगर सामूहिक धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो 1 से 3 साल की सजा है और 50,000 रुपए का जुर्माना है, ये संवैधानिक रूप से है, हमारे संविधान में भी व्यवस्था की गई है। संविधान में धारा 25(1) में सिर्फ अपने संप्रदाय का, अपने धर्म का प्रचार प्रसार की बात कही गई है, उसमें कहीं नहीं कहा गया है कि आप धर्म परिवर्तन कराइए, और ये ऐलानिया धर्म परिवर्तन कराएंगे, ये बता के कराएंगे, ये पुलिस से परमिशन मांगकर कराएंगे, तो क्या पुलिस का इकबाल इतना बुलंद है कि तौकीर रजा जैसे सैकड़ों मौलाना आ जाएं तो संविधान का उल्लंघन करने नहीं देंगे। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जो सरिया कानून को ऊपर करेगी, हम संविधान को ऊपर करेंगे और संविधान के सम्मत जो कार्य होगा उससे होगा, नहीं तो तौकीर रजा जैसे 50 लोगों को जेलों के अंदर उनकी जगह है असंवैधानिक काम करने के लिए। तौकीर रजा जी तो कह रहे हैं कि भैया कई लोगों का खौफ है इन लड़के लड़कियों में, जिसकी वजह से वो अपनी बात सामने नहीं रख पाते हैं कि अगर गलती से उन्होंने किसी मुस्लिम लड़के के इश्क में पड़कर इस्लाम कबूल कर लिया तो धर्म के ठेकेदार उनको जिंदा जला देंगे, लिहाजा वो उनके पास एप्लीकेशन लेकर आए हैं। ये इस देश में कहीं राजतंत्र है और वहां के ये राजा है कि जो निर्णय दे देंगे? न्यायपालिका है हमारी कुणाल जी, और न्यायपालिका पर सबको भरोसा है, चाहे लड़की हो लड़का हो कोई परिवार हो, न्यायपालिका में जा सकता है, अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, ये होते कौन है फैसला देने वाले? हिंदुस्तान, मैंने पहले भी कहा, संविधान सम्मत है और था और रहेगा, इनको बीच में दखल देने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा आगे आने की कोशिश करेंगे तो इनके खिलाफ संविधान सम्मत कार्यवाही कर दी जाए। डॉक्टर राहुल यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राहुल जी, शिशिर जी कह रहे हैं कि भाई विपक्षी नेताओं के हाथों की ये पुतली है तौकीर रजा जी, और माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। अब विपक्ष में तो जो मोर्चा संभाला है वो आप ही लोगों ने संभाला है सर, तो फिर बताएं पर्दे के पीछे की हिडन स्टोरी क्या कहती है। जी देखिए कुणाल जी, कुछ चीजें मैं स्पष्ट कर दूं। इस पूरे मामले को मैं पूरी तरह से कानूनी तौर पर देखता हूं। इस देश के 8 राज्य ऐसे हैं जिसमें धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है, उसमें उत्तर प्रदेश भी है। 2020 में बीजेपी सरकार ऑलरेडी ये कानून ला चुकी है, वहां प्रवृत्त है, वहां ये कानून इन्फोर्स है, और इस दावे में कोई दम नहीं है कि 21 तारीख को वो एक धर्मांतरण के लिए एक कोई आयोजन करेंगे या उसमें कोई कार्यक्रम करेंगे। अभी बरेली के SSP अनुराग आर्य जी ने स्पष्ट किया कि जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी अगर किसी ने शरारतपुर कोई गतिविधि करने की कोशिश की। देखिए
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास 2 महीने पहले 60 दिवस पहले एक आवेदन एक एफिडेविट देना होता है कि जो धन परिवर्तन करना चाहता है वो किसी बल किसी प्रलोभन या किसी लालच या किसी नौकरी या किसी दबाव में धन परिवर्तन नहीं कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि जो धन परिवर्तन करने जा रहे हैं 21 तारीख को क्या उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने इस तरह का कोई आवेदन वहां पर जमा किया है कोई सबमिशन किया है, तो इस दावे में कोई दम नहीं है। दूसरा यह है कि धर्मांतरण का जो आयोजन होता है उससे पहले पुलिस कई कई चरणों में जांच करती है कि यह जो आयोजन किया जा रहा है यह कहां तक सही है। तो अगर कानूनी नजर से देखें तो यह सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट में आने का या राजनीति चमकाने का एक ऐसा लग रहा है कि प्रयास लग रहा है। और तौकीर रजा आला हजरत के खानदान से हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इससे पहले वो 2014 में बसपा को समर्थन दे चुके हैं, आगे इनकी राजनीतिक आकांक्षा हो सकती है, होनी भी चाहिए, तो उसके तहत इस तरह की गतिविधि हो सकता है ये कर रहे हो। लेकिन अब ये जांच का विषय है कि इस तरह की गतिविधि करने के पीछे कौन सी ताकतें हैं या कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई राजनीतिक मुद्दा अब नहीं बचा है तो इस तरह की चीजों को हवा दे रहे हैं, ऐसी चीजों को समर्थन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भाई जब से बीजेपी कमजोर हुई है उसके बाद से विपक्षी पार्टियों का मनोबल बढ़ गया है, कुछ ना कुछ करके वो लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पर सवालों के कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। और तौकीर रजा जी के समाजवादी पार्टी से रिश्ते कितने हैं वो हम सब जानते हैं कि 2013 से 2017 के बीच आप कितने करीबी रहे, बकायदा उनको तो हथकरघा निगम के उपाध्यक्ष बनाया गया था अखिलेश सरकार में, ठीक है, वो तो पार्टी के आपके क्लोज हैं सर। नहीं नहीं आप ये भी बताइए ना कि 2014 में उन्होंने बसपा का समर्थन किया, अभी न जाने किसके साथ है। मुझे ये लगता है कि 2024 का चुनाव था इसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ऐसे जनता के मुद्दे थे जिन पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इनके लिए रोजगार और ये जो महिला सुरक्षा है या जो गरीबी है ये आज भी इनके लिए मुद्दा नहीं है, आज भी ये कम्युनल इश्यूज को लेकर के आगे आते हैं। तो ये सब मुद्दा आम जनता का नहीं है। तौकीर रजा के जैसे लोगों का जो है इनकी बात करना या इनको समर्थन देना ये कोई भी सेकुलर या धर्मनिरपेक्ष पार्टी जिसको समर्थन करती है वो नहीं करेगी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दम है। और आप देखिएगा 21 जून के किसी तरह का ऐसा आयोजन नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मुहर्रम का टाइम चल रहा है, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, तो एक लोगों के बीच में एक थोड़ा सा इसको लोगों को थोड़ा सा बहकाने के लिए गुमराह करने के लिए इस तरह की हरकतें हो सकता है की जा रही हूं। राहुल जी हमने ना तौकीर रजा जी को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, दोपहर तक वो कांटेक्ट में भी रहे लेकिन जब लाइव का नंबर आया तब उनके फोन स्विच ऑफ नजर आ रहे हैं। तो लिहाजा आप समझ लीजिए कि बयान देने के बाद सियासी लाइमलाइट में आने के बाद किस तरह से 9-2-11 होना है वो तौकीर रजा से बेहतर कोई नहीं जानता। अब सिर्फ शिशिर जी को और नाजिम खान साहब को स्क्रीन पर रखिएगा। शिशिर जी ये जो तमाम चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, आपने कहा कि भैया अगर यहां से तौकीर रजा जी 25 लोगों का धर्म परिवर्तन कराएंगे तो हम उससे 3 गुने ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराएंगे, आपको लगता नहीं कि इससे चीजें और ज्यादा खराब हो जाएंगी? जो लॉ एंड ऑर्डर ऑलरेडी सवालों के कटघरे में खड़ा होता है, मुहर्रम का महीना चल रहा है, सावन शुरू होने जा रहा है, और बरेली जिसकी हम बात कर रहे हैं जहां पर तौकीर रजा जी रहते हैं उसे तो भोलेनाथ की नगरी कहा जाता है, एक नहीं 11 शिव मंदिर हैं, भूपेश्वर नाथ से लेकर टिबरीनाथ तक, टिबरीनाथ से लेकर मणिनाथ तक के वहां मंदिर हैं, आपको लगता नहीं इससे लॉ एंड ऑर्डर और दिक्कत आ जाएगी वहां पर? देखिए ऐसा है कि आप भड़काऊ भाईजान बनोगे तो सामने आला आपको जवाब तो देगा, ठीक है, और संविधान सम्मत देगा। एक सवाल का जवाब आप जरूर ले लीजिएगा विपक्षी दलों से भी और मौलाना तौकीर जी से कि उन्होंने मौलाना जी ने कहा है कि हमारे पास कई लोग आए और धर्म परिवर्तन की इच्छा जताई, प्रार्थना पत्र दिया। तो मेरा मूल सवाल यही है शुरू से कि ये है कौन, कलेक्टर साहब है, डीएम साहब है, कमिश्नर साहब है, इनको प्रार्थना पत्र क्यों देगा कोई? अगर कोई मुसलमान से हिंदू बनना चाहता तो मुझे क्यों प्रार्थना पत्र देगा भाई? वो लखनऊ के डीएम को देगा। एक बात, अब हमने तो आज मीडिया के सामने अभी जब मैंने थोड़ी देर पहले प्रदर्शन किया यहाँ पर और ज्ञापन दिया यहाँ पर, तो मैंने मीडिया के सामने एक जोड़ा पेश भी कर दिया। हमने कहा देखो ये सलीम भाई जो है ये राजवीर सिंह बने और ये सामने खड़े स्वतः अपनी इच्छा से, कोई दबाव नहीं है, ये तो कह रहे आएंगे, गुमनाम बात कर रहे हैं। और हमने कहा अगर आप चैलेंज करो तो इनके बरेली में जाकर इनसे दुगने जोड़े वहां मैं खड़ा कर दूंगा जो मुस्लिम से हिंदू बन गए। सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन लेकिन सुन लीजिए मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ कि मुस्लिम समाज की जो लड़की होती है, सुन लीजिए, जो मुस्लिम समाज की लड़की होती है हिंदू समाज का लड़का होता है तो आप उसको क्या कहते हैं कि घर वापसी हो रही है? तो भाई इस तरीके का माहौल
क्यों देश के अंदर आप बना रहे हैं? लोकतांत्रिक देश है, वो संविधान से चलता है, लेकिन आप इस तरीके का झूठ बोलकर काम मत कीजिए। अगर तौकीर रजा ने इस तरीके का बयान दिया है तो देखिए ये शासन प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, उसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद पता करना चाहिए कि इस बात के पीछे क्या मंसूबा। लेकिन आप अगर एक समुदाय के बारे में बात करेंगे तो बिल्कुल गलत बिल्कुल गलत बात आप कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। आप एक सिंपोसिट नैरेटिव लेकर चैनल पर बैठे हुए एक समुदाय के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी बंद कर दीजिए, झूठ मत बोलिए और ऐसा बुकरान मत कीजिए। झूठ बोलकर भाई अब क्यों झूठ बोलते हैं? कुणाल जी ये सरासर झूठ बोल रहे हैं इस तरीके की बातों को करके। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, जब धर्म परिवर्तन वाली बात आती है तो मुस्लिम लड़की जब शादी होती है हिंदू भाई के लड़के से तो उसके साथ फेरे होते हैं, उसका मंदिर में शादी होती है, तो क्या उसका पहले धर्म परिवर्तन कराकर तभी शादी होती है? पहले ये बताएं, सुन लीजिए सिद्धेश्वर, जब बात में कह रहे उस बात पर तो ध्यान नहीं देंगे, लेकिन हाजी नाजिम जैसे बोलेगा तो आपके पेट में दर्द होने लगता है भाई। एक ऐसा तार छेड़ दिया है जो इनकी दुखती नब्ज है। अगर ये पांच जोड़ा लाएंगे तो हम इनको दस दिखाएंगे तो ये इनकी दुखती नज है। तो इसका मतलब आप संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाने की बात कर रहे हैं, यानी आप संविधान को नहीं मानते, ये पांच की बात कर रहे हैं, आप दस की बात कर रहे हैं। तो तौकीर रजा में और आप लोगों में क्या फर्क है? इसका मतलब ये है कि आप लोग संविधान को नहीं मानते, आप संविधान की खुलेआम टीवी चैनल पर धज्जियां उड़ा रहे हैं, गलत बात है। नहीं, लेकिन नाजिम जी ऐसे बयान से ही तो एक सेकंड एक सेकंड आपस में उलझेंगे तो बाकी मेहमानों का मैं क्या करूंगा सर? अगर किसी को धर्म परिवर्तन करना है, मन चाहे व्यक्ति से शादी करनी है, अपने धर्म से दूसरे धर्म में जाकर तो वो सीधे कानून का सहारा लेगा, तौकीर रजा के पास क्या जाएगा? तो खुद भागे भागे फिर रहे हैं। अरे आपको हलाल पता है? अरे हलाल की बात आप करते पता है आपको? पहले मुस्लिम समाज के पूरी बातों को जानेंगे तो पता चलेगा। सुन लीजिए बीबी को दूसरे के पास भेजना कितनी गंदी बात है। अगर तुम हलाल की बात करते हो तो मैं तो चंदन वंदना की भी बात कर सकता हूँ। सुन लीजिए चंदन वंदना, चरण वंदना क्या है? चरण वंदना क्या है पहले ये बता दीजिए। भारत के अंदर कितनी देवदासी है उनके बारे में भी सोच लीजिए। वो हमारी बहन बेटियां हैं, सुन लीजिए, देवदासी हमारी बहन बेटियां आज भी अपने बच्चों को बाप का नाम देने के लिए तरस रही हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सोच लीजिए। आप झूठ मत बोलिए, अरे झूठ बोलना बंद कर दीजिए। अब एक सिर्फ अश्विनी जी को राहुल जी को ऐसे सर ऐसे ना ऐसे उलझेंगे तो इस मुद्दे पर जो जनता के बीच मैसेज है ना वो भी ऐसा बड़ा कंफ्यूजन जाएगा। एक सेकंड शिशिर जी और नाजिम जी का ऑडियो डाउन करें प्लीज, ठीक है? दोनों का ऑडियो डाउन कर दें प्लीज प्लीज। अश्विनी जी और राहुल जी को रखिएगा। अब अश्विनी जी जिम्मेदारी तो फिर नो डाउट यूपी एडमिनिस्ट्रेशन की है ना, लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने की। तौकीर रजा जी तो एक बयान का छोका लगा कर निकल लिए, उसके बाद देखिए किस तरह से हिंदू स्कॉलर और मुस्लिम स्कॉलर आपस में उलझते नजर आ रहे हैं। हिंदू धर्म जोड़ से कहना शिशिर जी कहते नजर आ रहे हैं अगर पांच जोड़ों की का निकाह करवा देंगे, हिंदू से मुस्लिम बनाएंगे तो हम 15 लिख के आ जाएंगे, तो ऐसे तो स्थिति और खराब हो जाएंगी। देखिए कुणाल जी, ऐसे लोग जो है जो विवादित व्यक्तित्व होते हैं यही काम करते हैं समाज में, इसी तरीके की घृणा पैदा करने के लिए तौकीर रजा जैसे लोग यहाँ पैदा हुए हैं और यहाँ पर रह रहे हैं, जेल जाते हैं फिर भी नहीं सुधरते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में जब से धर्मांतरण कानून लगा है 450 से ऊपर FIR हो चुका है, 1000 से ऊपर गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, पुलिस अपने काम को पूरा कर रही है, संवैधानिक पालन करा रही है। और उसमें सबसे अच्छी बात है कुणाल भाई कि लगभग 200 पीड़ितों ने ये माना है कि हमसे जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया था, ये आया है, ये मतलब मैं कानूनी चीज बता रहा हूँ, आंकड़े दे रहा हूँ। और यही कानून जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो कर्नाटक में लेकर आई थी, कांग्रेस की सरकार आते ही उसको रद्द कर दिया, वहां का मामला गरमाया हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश में खासकर तौकीर रजा जैसे मौलानाओं को इस तरीके से समाज का माहौल खराब करने नहीं दिया जाएगा, वरना अगर कहीं क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी और दोनों के उसमें ये शांत प्रदेश जो है फिर से जलने की तरफ जाएगा, जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कभी कतई न होने देगी और कदापि नहीं चाहेगी कि ये लोग मुजफ्फरपुर दंगे टाइप या बरेली दंगे टाइप फिर से कुछ हो, और वो हम करने नहीं देंगे। प्रशासन चाक चौबंद है और प्रशासन के सामने जो भी चीजें हैं, अभी आपके सामने
एसपी साहब का बयान आया, उन्होंने कहा कि एलआईयू जांच कर रही है और ये कार्यक्रम कुछ नहीं है और ये कार्यक्रम कुछ नहीं होगा। लेकिन अश्विनी जी, आपको लगता है कि सोच समझ के 21 तारीख को चुनना सावन के ठीक समय? सावन जी 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 जी, वही तो एकदम अच्छा सवाल है आपका। सावन का महीना शुरू हो रहा है, धार्मिक माहौल हिंदुओं में रहता है, इधर मुहर्रम चल रहा है, तो ये लोग चाहते हैं अपनी दुकान जो है चलता रहे, ये चाहते हैं कि लोगों को भिड़ाकर हम खड़े रहें। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार के संकल्प है, 7 साल में एक दंगे नहीं हुए हैं कुणाल भाई, और आगे भी होने की संभावना नहीं है, और जो कोशिश करेगा वो सलाखों के पीछे रहेगा। ठीक है राहुल यादव जी, अब सीधा स्पष्ट सवाल है कि सर मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र एक बार फिर से हो गया, आप ही की पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव जी के दामन पर एक बहुत बदनुमा दाग है सर वो, और नो डाउट उसकी छींटे आज भी रह रहकर आप पर उछलती हैं, तो वैसे में तो जिम्मेदारी आपकी भी होगी ना कि आप अच्छे अपोजिशन का रोल निभाएं, कंडेम करें कि भाई तौकीर रजा को ऐसे स्टेटमेंट देने नहीं चाहिए थे। नहीं, ऐसा है कि तौकीर रजा का जो मामला है ये राजनीतिक नहीं, पहले इसको समझिए, जितने लोगों का धर्मांतरण होना है या जिसका उन्होंने बयानबाजी की है वो ऑलरेडी वो पहले ही संदिग्ध है। आखिर वो कौन लोग हैं जो अपना धर्मांतरण करना चाहते हैं, ये ना मीडिया में है न सोशल मीडिया में है, कोई पता नहीं है। पहले ऐसा हुआ करता था कि धर्मांतरण में जो मूक है, बगीर है, या विकलांग है, या गरीब है, इनको कुछ लालच दे करके धर्मांतरण करा दिया जाता था और पूरे देश में पूरे विश्व में समस्या थी। आज धर्मांतरण के विरुद्ध कानून है और उत्तर प्रदेश में चूंकि ये कानून लागू है तो हम कानून की नजर से इसको देखते हैं। तौकीर रजा के दावे में दम नहीं है, ये समझने की बात है। अब इसके पीछे राजनीतिक मंशा क्या है ये सोचने की बात है कि किस तरीके से लोगों को, चूंकि अभी भी सीआरपीसी 125 धारा को सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है और भी गतिविधियां अभी चल रही है, अभी नीट का मामला चल रहा है, अभी अभी देश में बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं, तो सबसे ध्यान भटकाने के लिए मुझे लगता है कि कोई प्रयास कर रहा है जिसकी वजह से इस तरह के बयान आए हैं। मैंने पहले ही कहा, अब आप बताइए दीजिए ना कौन प्रयास कर रहा है, कि आखिरकार तौकीर रजा अगर खुद कुछ नहीं कर रहे तो किसके हाथ के मोहरे हैं वो? अब ये तो जांच में पता चलेगा। आप देखिए वहां का जो स्थानीय प्रशासन है वो सक्षम है, वो ये पता लगाने में और इस कार्यक्रम के लिए सक्षम है, और तौकीर रजा के बयान का है जो सीधा मुकाबला वहां के स्थानीय प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन इसके निपटने में सक्षम है, वो निपट लेगा। लेकिन अगर इस पर अश्विनी जी तो कह रहे हैं कि भैया जब से यूपी में योगी सरकार आई है तब से धर्म परिवर्तन के मामले, दंगों के मामले निल हो चुके हैं, जीरो हो चुके हैं, सबके अंदर खौफ है लॉ एंड ऑर्डर का। आपकी सरकारी रही, कांग्रेस की सरकारी रही, तब इस तरह के जो रिलीजन कन्वर्जन के मैटर सबसे ज्यादा उछलकर सामने आते थे, और वो तो ये भी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा मैटर ऐसे थे जो इंटरेस्ट ऑफ प्रेशर के थे, जबरदस्ती उनसे धर्म परिवर्तन कराया जाता था, और उसके बाद जो उनकी हालात है वो आज हम सबके सामने। सर अभी देखिए मैं इस पर बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता। कम्युनल इश्यूज से आपको पता है कि सबसे ज्यादा किस पार्टी को फायदा होता है। कम्युनल इश्यूज जितना ही बर्निंग होगा, जितना ही लोगों में फैलेगा, जितना ही मीडिया में जाएगा, इसका फायदा किसको होता है? तो जाहिर सी बात है कि ऐसी पार्टियां चाहती हैं कि कम्युनल इश्यूज कुछ ना कुछ बना रहे। अभी अयोध्या हार गए, चित्रकूट हार गए, रामेश्वर हार गए, अभी भी उपचुनाव में बद्रीनाथ हार गए, फिर भी इनकी आंखें नहीं खुल रही है कि जो जनता के असल मुद्दे हैं इनसे अगर ये दूर रहेंगे तो बहुत देर तक सत्ता में नहीं रहेंगे। तो कम्युनल इश्यूज का फायदा सबको पता है कि किसको है, और हम बिल्कुल धर्म सीधा आरोप लग रहा है कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे, अयोध्या हार रहे, बद्रीनाथ हार रहे, और उसकी खीज है कि इस तरह से तौकीर रजा को मोहरों की तरह निपटा रहे ताकि चीजें आने वाले वक्त में कम्युनल हो जाएं और उसका सियासी फायदा आपको सीटों के फर्क में नजर आए। मुझे लगता है कि जो है समाजवादी पार्टी कुछ जरूरत से ज्यादा उछल रही है 37 सीटों पर। बहुत अच्छा अहंकार अच्छा है, हम 71-72 जीते थे तो भी अहंकार में नहीं थे, 62 जीते थे तो भी अहंकार में नहीं थे, और 33 जीते हैं तब भी हम जो है उसी तरीके से सामान्य हैं। लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का एक अहम मसला हुआ करता था पिछली सरकारों में। 2017 के योगी सरकार आने के बाद, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, या उत्तर हो या दक्षिण हो, उत्तर प्रदेश के चारों तरफ कोनों में लॉ एंड ऑर्डर एकदम बेहतर तरीके से चल रहा है। आज माताएं बहनें अपने परिवार के साथ निकल सकती हैं, पहले नहीं निकल पाती थी। ये मुजफ्फरपुर, नोएडा और बागपत में अब जाकर पता कर लीजिए, आज स्थितियां बहुत ही बुरी हो गई थी। इसलिए जो है आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, महिलाओं के साथ हमेशा उत्पीड़न हुआ करता था। राहुल भाई, आप देखिए, मुलायम सिंह जी नहीं है, उनको याद करना उचित नहीं लगता है, लेकिन आजम खान साहब तो हैं इस धरती पर ना। वो किस तरीके से अंगवस्त्र देखा करते थे दूसरे सांसदों का और सदन में सभापति का। तो ये सब आप लोग महिला उत्पीड़न की बात तो आप लोग ना करें। जो भारतीय जनता पार्टी के हर जिले में एक पार्टी आता है, आज हर जिले में एक पार्टी बड़ा है, योगी सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार। अच्छा ये बताइए राहुल जी, नारा वाले हैं,
मायावती जी ने लिख लिया कि आप अति उत्साह में हैं, अति आत्मविश्वासी हैं, 400 बार के नारे पर पूरी जनता गांव गांव में लोग हंस रहे हैं, 400 बार का नारा आपने दिया, मुझे नहीं लगता कि आपको इस चुनाव में आंखें खुल जानी चाहिए। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो लोकतंत्र में जनता मालिक है। आपको थोड़ा सा 3 सीट ज्यादा दे दिया, हमको 3 सीट कम दे दिया उत्तर प्रदेश में, आपको मुबारक हो। मगर एक नारा बना था चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगेगा हाथी पर, किसने बनाया था, किसके सरकार थी, आपकी सरकार थी, नारे बना करते थे आपके लिए, आप कहां कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की बात। राहुल भाई थोड़ा सोच समझ के योगी सरकार और मुलायम सिंह सरकार से लेकर अखिलेश जी तक इवेल्युएशन करिए, अपने आप पता चल जाएगा रिजल्ट आपको बेहतर। आपकी ये बुलडोजर की सरकार लखनऊ में बिल्कुल एक्सपोज हो चुकी है और आपने संविधान को बुलडोज किया, और ये जो जनता है, जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, इनकी हकमारी करके कोई भी सरकार, लेकिन राहुल जी आरोप तो लग रहा है आप पे, मुझे नहीं लगता कि जो कम्युनल इश्यूज है इसका फायदा बीजेपी अब ले पाएगी। मुझे नहीं लगता कि इस पूरे मामले को बहुत ज्यादा हाइप करके राहुल जी आप ये कह रहे हैं कि अगर कम्युनल वायलेंस होता है तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी के प्रवक्ता नेता ये कह रहे हैं कि नो डाउट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मालूम है कि हाल फिलहाल में कुछ सीटें कम आने की वजह से बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन है, लिहाजा इस तरह के कम्युनल राइट कर दो और ज्यादा सवाल कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा और उसके बाद हमारी स्थिति बेहतर हो जाएगी। नहीं जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो कम्युनल इश्यूज हैं उसको भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो मुद्दा बना रहे, लोगों के बीच में जाए और पोलराइजेशन हो, लोग एकजुट हो जाए, और ये ऐसा करके मुझे जनता के असल मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा है, पॉलिटिकल पार्टी प्रयास करती रही, जीरो कम्युनल राइट, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के नारे पर रिपीट हुई, उसी से आप कह रहे हैं कि ये खुद चाहते हैं कि कम्युनल राइट हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए। अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना ही अच्छा था तो महिला सुरक्षा को लेकर क्या हालत है उत्तर प्रदेश में? एनसीआरबी के आंकड़े देखिए ना, जो उत्तर प्रदेश में आप ये कह रहे हैं कि महिलाएं शाम को निकल सकती हैं, उन महिलाओं के खिलाफ कितने अपराध हुए हैं, और मणिपुर में जो आपकी केंद्र की सरकार है, मणिपुर में महिला सुरक्षा पे क्यों नहीं बोला है? लॉ एंड ऑर्डर अगर आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा है तो मैं तो केंद्र स्तर पर भी देखूंगा ना, और भी राज्यों में देखूंगा, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इन सब फेक मुद्दों को लेकर के महिला सुरक्षा हुआ या गंभीर है। राहुल जी देखिए, आप लोग एकदम कहीं भी नो डाउट कहीं भी अपराध हो, हत्या हो, बलात्कार हो, दुखद है, मगर मणिपुर के साथ साथ संदेश खाली भी कभी नजर डाल दिया कीजिए, राजस्थान आपकी सरकार कांग्रेस की थी वहां डाल देते नजर, कभी कभी आप दलितों की हत्या भी तमिलनाडु में आपकी के लोग हैं, तमिलनाडु में उसकी जांच चल रही है, उसकी जांच चल रही है, आपने कभी कुछ कहा कुछ नहीं कहा, इस तरीके से जवाब दिया जा रहा है लोगों को, पश्चिम बंगाल जा रहा है और वहां पर बंगाल में कंगारू कोर्ट लगाकर महिलाओं को पीटा जा रहा है, क्या स्थिति है? एक दादी को उसके बच्चे के सामने बलात्कार किया जाता है, आप लोग क्या भोजन निकलती है, महिला की हत्या होती है, सर मेरे पास अंतिम कुछ समय बचे हैं, ज्यादा समय नहीं चाहिए, राहुल जी एक सेकंड, अब सिर्फ शिशिर जी को और नाजिम जी को रखिएगा। नाजिम जी शुरुआत से आप सपोर्ट कर रहे हैं कि भैया तौकीर रजा जी जो कह रहे हैं वो एक अच्छा मोशन लेकर चल रहे हैं, जो लोग वाकई में कुछ नहीं कह पा रहे हैं उनके लिए एक रास्ता बन रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि आप किस व्यक्ति का सपोर्ट कर रहे हैं? तौकीर रजा खान जो खुद इस वक्त आपको लग रहा है कि भगोड़े भागते फिर रहे हैं, आपको खुद मालूम मुजफ्फरनगर दंगों में उनका रोल क्या कुछ था, आपको यह भी मालूम है कि 2007 में किस तरह से उन्होंने तस्लीमा नसरीन के खिलाफ फतवा जारी किया था और कहा था कि जो उसका सर काट कर लाएगा मैं उसको 5 लाख का इनाम दूंगा, आपको यह भी याद है कि 2022 में किस तरह से उन्होंने सार्वजनिक मंच से बयान दिया था कि मैं अपने हिंदू भाइयों को चेतावनी देता हूं कि अगर जरा सी भी आंच मुस्लिम भाइयों पर आ गई तो ऐसा माहौल बना देंगे कि वो अपने कहीं सर नहीं छुपा पाएंगे, मुंह नहीं छुपा पाएंगे। आपको लग रहा है कि आप किस व्यक्ति को डिफेंड कर रहे हैं? सर चाहता हूं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा देखिए ये जांच का विषय है तो उनकी जांच होनी चाहिए, जो उनका बयान आया तो जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार है तो भाजपा सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरीके का जो माहौल रच रहे हैं या माहौल किस फेज में, अरे सुन लीजिए पहले बात सुन लीजिए, गुमराह मत कीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि तौकीर रजा ने इस तरीके का बयान दिया तो उस बयान की जांच होनी चाहिए ना, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ सुन लीजिए, आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक धर्म विशेष को टारगेट करते हैं, बिल्कुल गलत है, धर्म विशेष
को टारगेट करना बंद कर दीजिए। लोकतांत्रिक मुल्क के इस मुल्क के अंदर आप जो नेगेटिव सोच के आते हैं एक समुदाय के खिलाफ उसको बंद कर दीजिए। भाई हम लोगों के बुजुर्गों ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे चुप लिए। समझिए इस मुल्क को आजाद कराने के लिए फांसी के फंदे चुप लिए। आज भी चलिए वाले बाग के गोली के निशान हम लोग के सीने पे है और आज आप हम लोगों से इस तरीके की बात कर रहे हैं कि देश के अंदर एक समुदाय को लेकर फिक्स कर रहे हैं। इस प्रोपेगेंडा को बंद कर दीजिए भाई, सुन लीजिए इस प्रोपेगेंडा को बंद कर दीजिए। बिल्कुल हम लोग इस और हम भी न्याय दिलाने में इस पे पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर मुस्लिम बहनों के साथ अत्याचार आप करोगे तो हिंदू महासभा उनके साथ खड़ी होगी। सबसे पहले आप समझ लीजिए, सबसे पहले आदिवासी जो बहनें उनको इंसाफ कर रहे हो ना आप लोग, मुस्लिम बहनों के लिए मुसलमान भाई ने लगातार इंसाफ दिलाने के लिए हम हर तरीके से कानूनी तरीके से उनको न्याय दिलाएंगे, उनको इंसाफ दिलवाइए। सुन लीजिए ज्यादा वो भी हमारी बच्ची है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी देवदासी बहन बेटियां हैं साउथ के अंदर पूरे भारत के अंदर जिस तरह से बता दीजिए क्या उनको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। गुना ये बता दीजिए जहाँ पर गरीब लोगों की शादी कराई जाती है। लेकिन डॉक्टर रजा का ये कहना कि भाई मेरे पास कुछ लोग ऐसे आए थे, मैं उनका धर्म परिवर्तन कराना चाहता हूँ, सामूहिक उनका निकाह कराना चाहता हूँ, आपको लगता है कुछ ऐसी चीजों से छेड़छाड़ करना जो प्रथा शुरुआत से चली आ रही थी और बहुत अच्छे कॉज के साथ उनका आयोजन होता था? कुणाल जी पूछिए ना देवदासी बहनों के बारे में क्या सोचा आप तक है। नाजिम जी बहुत देर से आप देवदासी कर रहे हैं सर। अगर पांच में जो बात है तो कहना चाहूंगा सर, ग्यारह बता दीजिए मुझे आपके साथ दिखा दूंगा, यहीं पर मेला दिखा दूंगा तुमको मौलाना साहब, दिखा दीजिए ना लाइव डिबेट बता दीजिए। ठीक है चलिए, बहुत बहुत स्वागत है चारों खास चैनलों का, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी, डॉक्टर राहुल जी, खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, समय मेरे पास इतनी ही इजाजत दे रहा था। बहरहाल जिस तरह से कॉन्ट्रोवर्शियल विवादास्पद बयान देकर तौकीर रजा जी ने यूपी की सियासत में जो छोका लगाया उसके बाद अब देखना बेहद खास है कि जिस तरह से बयानों का सिलसिला शुरू हुआ है। पाक महीना मुहर्रम का चल रहा है और सावन का महीना बस आने ही वाला है, किस तरह से सियासी हवाएं खराब होंगी। जिम्मेदारी यूपी की योगी सरकार पर है कि किस तरह से माहौल को कंट्रोल किया जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार जो सरकार बार बार दावे करती है कितनी बेहतर तरीके से मेंटेन होंगे। बहरहाल इसी के साथ हमारी खास प्राइम टाइम डिबेट ललकार में आज बस इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला आगे जारी है। जनता पार्टी ही आएगी। 370 हटाई गई थी, हम उसका समर्थन करते हैं, उन्हें उसका बेनिफिट हर इंसान ने उठाया, सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। मैडम जी 10 साल का रिपोर्ट कार्ड इनका मैं अभी खोल के बता रहा हूँ। स्टैंड पर पहुंची तो आखिरकार उसका आधार क्या था? जितना ये बात छोटी छोटी सभाओं में बोलते रहते हैं। राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, मैं बीजेपी के गॉसिप का जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। चार विधायक थे, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। भारत जोड़ो यात्रा करने से अच्छा है कांग्रेस जोड़ो यात्रा।